तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं रात में आपको रात का व्यू दिखाने के लिए। कभी देखा आपने बस स्टॉप पे चार्जिंग स्पॉट यहाँ? सो वेल गाइस हम लोग आ चुके हैं आपको एक ऐसी चीज दिखाने के लिए जो कि ना पूरे इंडिया में पहला है और पूरे इंडिया में सबसे बड़ा है। सो चलिए गाइस वो चीज आपको दिखाते हैं क्या है। फाइनली इंडिया का फर्स्ट डिजिटल बस स्टॉप देखा है कभी आप लोगों ने? हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। और इस बस स्टॉप में ऐसी ऐसी फैसिलिटीज है और ऐसी ऐसी चीज अवेलेबल है ना कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कि भाई साहब ये बस स्टॉप है कि जूने बस स्टॉप से हम कभी नए ऐसे डिजिटल बस स्टॉप पे आएंगे। मैंने तो लाइफ में कभी नहीं सोचा था। बचपन में बस पकड़ते थे तो कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी डिजिटलाइजेशन आएगा कभी। गजब गजब वो भी देखने मिल रहा है, नसीब की बात है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वर्ली में नेहरू प्लेनेटोरियम बस स्टॉप पे। तो वेल गाइस ये देखिए ये है वो बस स्टॉप जो कि फुल्ली डिजिटल हो चुका है। यहाँ पे ना बहुत ही बड़ी ओलेड स्क्रीन लगी हुई है, ओलेड स्क्रीन बोल दो या तो एलईडी स्क्रीन बोल दो, भाई काफी बड़ा है। और ये है नेहरू प्लेनेटोरियम का बस स्टॉप। सो डे में देखिए ना कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा ऐसे, लेकिन नाइट में ये फुल दिख रहा है। कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है लेकिन आंखों में फुल स्क्रीन चल रहा है ये वाला। तो नाइट का भी विजन हम अलग से देते हैं इसके लिए, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी है वो आप सुन के ना दंग रह जाओगे। तो देखिए ये बस स्टॉप का नाम है ये नेहरू प्लेनेटोरियम और ये फर्स्ट डिजिटल बस स्टॉप, ऐसे और बनने वाले लेकिन ये सबसे बड़ा है फिलहाल, सबसे बड़ा मुंबई में, इंडिया में, इंडिया में सबसे बड़ा। और यहाँ भी फैसिलिटीज देखिए, बैठने के लिए प्रायोरिटी सीट्स तो है लोगों के लिए। काफी छोटी होती थी पर अब ये कंफर्टेबल है भाई, आराम से तो बैठो, जाड़े लोग भी बैठ सकते हैं मेरे जैसे नहीं बैठ रहा। सो यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चे लोग होते हैं उनके लिए बैठने के लिए, डिसेबल पर्सन है उनके लिए, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन। पहले के जो बस स्टॉप होते थे ना वो काफी छोटे छोटे टूटे और बहुत ही ओल्ड हो चुके थे, और ये वाला जो है ना काफी सुंदर और एकदम कंफर्टेबल है। इसमें लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, नेक्स्ट बस अराइवल अलर्ट भी है, स्मार्ट डिवाइस चार्जिंग स्टेशन भी है, लोकेटिंग नियर बाय पब्लिक लेबोरेटरीज भी है यहाँ पे। मतलब आपको अगर आपको आगे है ना स्कैनर मिल जाता है जहाँ पे आप स्कैन कर सकते हो, और जहाँ पे पब्लिक टॉयलेट है नियर बाय वो आपको बता देता है, वो आपको बता। तो इसकी सबसे बेस्ट चीज आपको बताऊँ, यहाँ पे देखिए ये है ना भाई साहब लाइब्रेरी है। तो अगर पढ़ी बस आपकी लेट आ रही है या बस पता चला लेट आ रही है क्योंकि अब तो बस का ऐप भी आ गया, तो यहाँ पे आप काफी सारे बुक्स रखे हुए आप निकाल के पढ़ सकते हो भाई साहब, गजब। So, इसको वन वर्ली करके नाम दिया हुआ है साइन बोर्ड से बीएमसी की तरफ से, बेस्ट। और यहाँ पे बुक्स निकाल के आप लिटरली एक बुक ऐसे निकालो और भाई साहब पढ़ भी सकते हो, ये सारे बुक्स रखे हुए यहाँ पे। एक चीज है बुक्स की वो बाद में मैं बताता हूँ, पहले आपको बुक्स काफी सारे बुक्स है यहाँ पे देखिए। शॉर्टेस्ट बस रूट असिस्टेंट भी है, पार्किंग लीगल पार्किंग अलर्ट भी है, सिक्योरिटी भी रखा है। क्यों सिक्योरिटी? क्योंकि ये जो बुक्स है वो ओपन है। इस बस स्टॉप पे एक सिक्योरिटी हमेशा हमेशा अवेलेबल रहता है सुबह और रात को। रात को एक, क्यों? क्योंकि बुक्स ओपन एक, अच्छा दिन में दो रात में दो, चार लोग भाई साहब, तो दिन में दो रात में दो सिक्योरिटी, मतलब टोटल चार सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है ना बुक्स होते हैं तो कुछ लोग बुक्स पढ़ते पढ़ते ले जाते हैं घर पे, तो ऐसा मत करो। उसके लिए जाता होगा कोई, कोई भूल के बैग में रख देता होगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, यहाँ पे सब बस स्टॉप क्या है बताऊँ मैं, चार्जिंग स्पॉट। कभी देखा आपने बस स्टॉप पे चार्जिंग स्पॉट? यहाँ पे चार्जिंग भाई देखो, यहाँ पे सब चीज की चार्जिंग अवेलेबल है, ये टाइप सी यूएसबी पोर्ट स्विचेस, भाई टाइप सी वाले तो देखो कितने सारे यूएसबी पोर्ट इतने सारे, और ये देखिए अपना लैपटॉप से लेके मोबाइल और सब चार्ज कर, सब कुछ चार्ज कर सकते हो अगर आपकी बस लेट आ रही है। यहाँ पे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी है, बस स्टॉप्स है, बस के नंबर्स भी है। और यहाँ पे ना देखिए क्या लिखा है, ड्रॉप अ लेटर टू योर लव्ड वन, आप अपने चाहने वाले को यहाँ पे लेटर डालो और ये लोग पोस्ट कर देंगे। ये स्कैन करने पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी इस बस स्टॉप में, हेल्पलाइन नंबर, वुमेन हेल्पलाइन, इंफोलाइन, रेस्क्यू एंड रिलीफ पता चल जाएगा। सोचा नहीं था कभी बस स्टॉप इतना डिजिटलाइज हो सकता है, और ऐसा ही और भी बन रहा है, अभी बना नहीं है लेकिन ये सबसे फर्स्ट और यूनिक डिजिटल बस स्टॉप है। सो यहाँ इसी के पीछे एग्जैक्ट बता दो आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन पे, यहाँ पे कार बाइक सब कुछ चार्ज होता है। ये हमारे जूने वाले बस स्टॉप वो देखिए छोटा सा, और ये देखिए छोटा सा, अलग फीलिंग है। लेकिन आजकल जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है ना भाई, ये सब रिक्वायरमेंट है। गजब गजब, अभी आपने स्क्रीन में देखा होगा तो कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, तो अभी हम चलते हैं रात का व्यू दिखाने के लिए आपको, क्योंकि रात में ना भाई बहुत क्लास लगेगा। तो चलिए तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं रात में आपको रात का व्यू दिखाने के लिए इसका। भाई साहब रात में बहुत ही गजब लगता है, ऐसे लगता है मतलब इतना सुंदर लग रहा है ना रात में, और इतने सारे लाइटिंग है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग यहाँ पे बैठ के ना भाई मजे ले रहे हैं स्क्रीन के, भले कि यहाँ पे पिक्चर नहीं लगा हुआ है लेकिन कुछ तो चल रहा है उसी से। और ये भाई देखिए तो क्या, ये बता दूं कितना सुंदर लगता है ऐसे। तो ये है बस स्टॉप नेहरू प्लेनेटोरियम का, और यहाँ पे बता दूं ना भाई
ये सच में फील दे रहा है नेहरू प्लेनेटोरियम के अंदर वाली. Exactly. आपको बता दूं यहाँ पे देखो धोनी भाई आ चुके और ऐसे एड्स भी चल रहे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. लगता होगा अभी मैच चलोगा लेकिन मैच नहीं चलोगा. ये देखें स्टार्स नेहरू प्लेनेटोरियम में जाएंगे ना आपको ऐसी फील लगेगा भाई. 3D इफेक्ट्स का चीज है और यहाँ पे इसका ये बस स्टॉप है. बस स्टॉप में काफी अच्छी लाइटिंग भी है रात में. और ये लाइटिंग 11 बजे तक रहती है लास्ट. सुबह 6 बजे चलती है और रात को 11 बजे तक रहती है. रात को 11 बजे के बाद बंद हो जाती है. ये देखिए यहाँ पे ये बुक्स के यहाँ पे लाइट्स है. ऐसे बुक्स के यहाँ पे लाइट्स है पूरे इस पे बस स्टॉप पे लाइट्स है. और वहाँ पे एक उनका बोर्ड लगा हुआ है. ये देखिए ये यहाँ पे एक बोर्ड है. पीछे बता दूं जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे भी लाइट है. देख के काफी अच्छा लग रहा है. मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं मेरा देश बदल रहा है एक्चुअली. हमने क्योंकि हम जब आते थे ये वाला बस स्टॉप है हमारा वाला है, जूना वाला नेहरू तारांगण. तो हम भाग के आते थे नेहरू तारांगण में. और इस डिजिटल बस स्टॉप में ना काफी कुछ अच्छी चीजें लाइक जो बस आती है उसकी भी चीजें बताती है डिटेल्स है सारी. ये देखिए ना काफी प्यारा लगता है और इसमें ना अनाउंसमेंट भी होते रहता है हमेशा. होप सो आपको वीडियो में मजा मजा तो आपको पता है ना क्या करना है. जल्दी से कर दो. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नई नई और यूनिक चीजें लेके. टिल देन बाय. स्टे सेफ. टेक केयर. बाय बाय.